गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अपने एग्ज़ाम का डेली स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ और मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ तीन मेन बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी रहे, कुछ भी चीज़ें हैं वो इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। हाँ, हम कुछ भी चीज़ है वो अपनी मेहनत के थ्रू उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बस उसी जोश के साथ मैं भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और अभी एग्ज़ाम है वो आने भी वाला है और एकदम अभी फेस्टिवल टाइम आएगा तो उन दिनों वैसे ही अपनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए सब चीज़ें साइड में रख कर मैं इस वक्त अपना जो पूरा फोकस है वो काम के ऊपर कर रही हूँ। मुझे कैसे ना कैसे करके इस बार एग्ज़ाम निकालना है और मैं मुझसे जितना भी हार्ड वर्क हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। देखो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी करके हो, जी जान लगा के पढ़ दो। अभी भी देखो एक महीना है तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ। और अपना जो ये बार बार में एग्ज़ाम की तैयारी करने से है ना, दिमाग पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है और इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना डिमोटिवेट फील होता है। तो इसीलिए अभी है अपना एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम निकालो और दिमाग को बिल्कुल ही मेंटली रूप से एकदम प्रिपेयर करके रखो। और अपने चीज़ों का ध्यान है वो और चीज़ों में ना लगा कर अपना अपने आप को पूरी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करने में निकाल लो, जितने हो जाए। अब है समय हमारे पास भी एक लिमिटेड रह गया है तो ये समय हम अपनी प्रैक्टिस के थ्रू और मॉक के थ्रू भी कर सकते हैं। और यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ज़्यादा हमारी क्लियरिटी होगी, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और हमारे जो डाउट्स हैं वो भी हमें पता चलेंगे। प्रैक्टिस है वो एक दो दिन की तो बात है नहीं, अभी भी देखो मान लो 30 दिन भी हैं तो 30 दिन के हिसाब से अगर हम एक दिन में एक मॉक भी लगाएंगे तो हमारे 30 दिन में हम कितने क्वेश्चन होंगे जो क्लियर कर लेंगे। और मॉक लगाना ही सब कुछ नहीं होता, मॉक के बाद हमें उसमें एक्सप्लेनेशन है उसको भी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमें पता चलता है अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों है, सी है तो क्यों है और डी है तो क्यों है। अपने जो 90 क्वेश्चन के साथ साथ जो हमारे 60 नंबर के हैं वो सब्जेक्ट है उसको भी उस पर अच्छे से पकड़ बनाने भी हमारी बहुत ज़रूरी है, खासकर जो TJT PJT वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ। और ये जो 60 नंबर का है वो रोज़ पढ़ो क्योंकि देखो आपको भी पता है क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। और पढ़ाई के साथ साथ मैं कहूँगी अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन भी रखें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ मेरा अब थोड़ा ज़्यादा हो गया तो शाम के टाइम मैं थोड़ा बाहर खाने के लिए भी चली जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं अपने मेंटली से इतना डिस्टर्ब नहीं रखती अपने आप को। और जब मन करता है अपने भाइयों के साथ खाने के लिए चली जाती हूँ। प्रेशर लेने से कोई भी काम सोल्व नहीं होगा और जो लोग टीचिंग एक्सपीरियंट हैं वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।